क्रिप्टो करेंसी वर्तमान समय का सबसे बड़ा गर्म मुद्दा बनी हुई है। दुनिया भर में जहां इसकी लोकप्रियता में इजाफा हुआ है, वहीं भारत में भी इसमें निवेश करने वालों की संख्या बढ़ी है। हालांकि इस अनियमित बाजार में जोखिम को ध्यान में रखते हुए भारत और आरबीआई ने निजी डिजिटल करेंसी पर नकेल कसने की तैयारी कर ली है और चालू शीतकालीन सत्र में इससे संबंधित बिल भी पेश होना है। ज्यादातर लोगों में अब इसके बारे में जानने की इच्छा है, तो हम आपको आज बताते हैं कि आखिर क्रिप्टो करेंसी क्या है और ये किस तरह से काम करती है। क्रिप्टो करेंसी दरअसल वित्तीय लेन देन का एक जरिया है, बिल्कुल भारतीय रुपए और अमेरिकी डॉलर के समान। अंतर सिर्फ इतना है कि ये आभासी है और दिखाई नहीं देती है, न ही आप इसे छू सकते हैं, इसलिए इसे डिजिटल करेंसी भी कहते हैं। इसका पूरा कारोबार ऑनलाइन माध्यम से ही होता है, जहां एक ओर से किसी भी देश की करेंसी के लेन देन के बीच में मध्यस्थ होता है, जैसे भारत में केंद्रीय बैंक, लेकिन क्रिप्टो के कारोबार में कोई मध्यस्थ नहीं होता और इसे पूरे एक नेटवर्क के साथ ऑनलाइन ही संचालित किया जाता है। यही कारण है कि इसे पूरे अनियमित बाजार के तौर पर ही जाना जाता है पूरे दुनिया में, जो पल भर में किसी को अमीर बना देती है और किसी को एक पल के झटके में तुरंत जमीन पर गिरा देती है। लेकिन बावजूद इसके उतार चढ़ाव को लेकर के भी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। वर्तमान में दुनिया की सबसे ज्यादा मूल्यवान, सबसे अधिक लोकप्रिय क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन है। इसके बाद दूसरी पसंदीदा क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो नाम आता है इथेरियम का। वहीं टॉप 10 डिजिटल करेंसी मुद्दाओं की बात करें तो पेकॉल्ट, टेथर, लाइटकॉइन, डॉजकॉइन समेत अन्य शामिल हैं। शुरुआत में बिटकॉइन का ही क्रिप्टो बाजार में दबदबा था, लेकिन समय के साथ ये बाजार बढ़ता गया और हजारों की संख्या में डिजिटल मुद्राएं चलन में आ गईं। आज क्रिप्टो का कारोबार का दायरा लगभग दुनिया के ज्यादातर देशों में फैल चुका है। आसान भाषा में समझे तो क्रिप्टो करेंसी एक प्रकार की डिजिटल कैश प्रणाली है, जो एक निजी कंप्यूटर चेन से जुड़ी हुई है, कंप्यूटर के एल्गोरिदम पर बनी हुई है। इस पर किसी भी देश या सरकार का कोई भी नियंत्रण नहीं है। इसकी लोकप्रियता में इस कदर इजाफा हो रहा है कि कई देश इसे लीगल भी कर चुके हैं। अल साल्वाडोर में डिजिटल मुद्रा पर केंद्रित बिटकॉइन सिटी बनाने की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। क्रिप्टो करेंसी का लेन देन करने के लिए जिस प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता है उसे ब्लॉकचेन कहते हैं। ये डिजिटल करेंसी इनक्रिप्टेड होती है, इसे एक कंप्यूटर नेटवर्क के जरिए नियंत्रित किया जाता है। इसमें प्रत्येक लेन देन का डिजिटल हस्ताक्षर द्वारा सत्यापन किया जाता है। इसका रिकॉर्ड क्रिप्टोग्राफी की मदद से नियंत्रित होता है। यह सारा काम कंप्यूटर नेटवर्क के जरिए चलता है। क्रिप्टो करेंसी में कोई लेन देन होता है तो इसकी जानकारी ब्लॉकचेन में दर्ज की जाती है, यानी उसे एक ब्लॉक में रखा जाता है। क्रिप्टो करेंसी खरीदने के दो जरिए हैं, लेकिन आज सबसे आसान और लोकप्रिय तरीका इन्हें क्रिप्टो एक्सचेंज के जरिए खरीदना है। दुनिया भर में सैकड़ों क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज काम कर रहे हैं। भारत की अगर बात करें तो यहाँ पर काम कर रहे वजीरेक्स, जेबवे, क्वाइन स्विच, कुबेर क्वाइन, डीएक्स और गो समेत कई एक्सचेंज संचालित हैं। इसके अलावा क्वाइनबेस और बिनसांसे जैसे अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म भी मौजूद हैं, जहां से बिटकॉइन, इथेरियम, टेथर और डिजकॉइन समेत दुनिया भर की डिजिटल मुद्राएं खरीदी जा सकती हैं। देश में बिटकॉइन अन्य क्रिप्टो करेंसी को खरीदना और बेचना काफी आसान है। सबसे खास बात यह है कि खरीदारी के लिए ये सभी क्रिप्टो एक्सचेंज 24 घंटे खुले रहते हैं। इनके जरिए क्रिप्टो करेंसी को खरीदने और बेचने की प्रक्रिया भी काफी आसान है। रुपए में क्रिप्टो को ट्रेडिंग और निवेश करने के लिए आपको किसी एक एक्सचेंज पर पंजीकरण कराना होता है। इसके लिए एक्सचेंज की साइट पर साइन अप करने के बाद आपको KYC प्रक्रिया पूरा कर वॉलेट में पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं और फिर इन डिजिटल मुद्राओं की खरीदारी की जा सकती है। गौरतलब है कि भारत में भी क्रिप्टो में निवेश करने वालों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में करीब 15 मिलियन एक्टिव उपयोगकर्ता ऐसे हैं जिनका भारत में संचालित किसी न किसी क्रिप्टो एक्सचेंज में पंजीकरण है। यही कारण है कि इस अनियमित बाजार में भारतीय निवेशकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI और केंद्र सरकार दोनों सख्त हैं। निजी क्रिप्टो करेंसी पर लगाम कसने के लिए चालू संसद के शीतकालीन सत्र में एक बिल भी पेश होना है। इसके साथ ही RBI ने सरकार को अपनी डिजिटल करेंसी के संबंध में एक प्रस्ताव भी दिया है। हालांकि भले ही भारत सरकार ने अभी तक क्रिप्टो करेंसी को कानूनी मान्यता न दी हो, RBI की डिजिटल करेंसी आने में देरी हो, बावजूद इसके देश की 7% आबादी के पास डिजिटल करेंसी मौजूद है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में कोरोना महामारी के दौरान क्रिप्टो करेंसी के इस्तेमाल में भारी तेजी आई है। इसी के दौरान भारत में भी क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने वालों की तादाद बढ़ी है। UN ट्रेंड एंड डेवलपमेंट संस्था यानी UNCATAD ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 2021 में भारत की 7.3% आबादी ने क्रिप्टो करेंसी जैसे डिजिटल करेंसी में निवेश किया हुआ है और डिजिटल करेंसी रखने के मामले में दुनिया के टॉप 20 देशों में 7वें स्थान पर है।
यूक्रेन में सबसे ज्यादा 12.7% आबादी ने डिजिटल करेंसी में निवेश किया हुआ है, तो रूस में 11.9%, वेनेजुएला में 10.3%, सिंगापुर में 9.4%, केन्या में 8.5% और अमेरिका में 8.3% लोगों के पास डिजिटल करेंसी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना महामारी के दौरान पूरी दुनिया में क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है, खासतौर से विकासशील देशों में। रिपोर्ट के मुताबिक इन प्राइवेट डिजिटल करेंसी में रेटिमेंट्स में मदद की है, लेकिन ये एक अस्थिर फाइनेंशियल एसेट है जो अपने साथ सामाजिक रिस्क और कीमत अपने साथ लेकर के आता है। हाल ही में क्रिप्टो करेंसी में जो गिरावट आई है उससे पता लग गया है कि डिजिटल करेंसी रखने के क्या खतरे हैं। रिपोर्ट ने RBI के उस पक्ष पर अपनी मुहर लगाते हुए कहा कि क्रिप्टो करेंसी पेमेंट का माध्यम तो बनता है और गैर आधिकारिक रूप से घरेलू ऑफिशियल करेंसी की जगह लेता है, तो इससे देश की मौद्रिक संप्रभुता को खतरा पैदा हो सकता है। आपको बता दें कि RBI के गवर्नर ने कई मौकों पर क्रिप्टो करेंसी को देश के फाइनेंशियल सिस्टम के अस्थिरता के लिए खतरा भी बताया था, यानी कि जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसमें अस्थिरता आ सकती है, इसको लेकर के खतरा भी बताया था उन्होंने। लेकिन फिलहाल क्रिप्टो करेंसी को लेकर के लगातार देश में इसकी मांग बढ़ती जा रही है, लोग इसको खरीद रहे हैं और इसमें लगातार निवेश भी करें और इसके निवेश का दायरा लगातार बढ़ रहा है। क्रिप्टो करेंसी को लेकर के सरकार की अपनी पॉलिसी है, क्रिप्टो करेंसी वालों की अपनी पॉलिसी है, वो अपने तरह से दावे करें। पूरे इस प्रक्रिया में क्रिप्टो करेंसी को लेकर के आपके विचार क्या हैं, आप क्या सोचते हैं क्रिप्टो करेंसी को लेकर के, क्या इसमें निवेश करना सही है, इन तमाम प्रश्नों को लेकर के आम लोगों की राय बहुत महत्वपूर्ण होती है, इसलिए आप अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।